राज्य में वधु बे दिवस रहेशे कमोसमी वरसाद। सौराष्ट्र में पड़ी शके छे सामान्य वरसाद। अमदावाद में बे दिवस रही शके छे सामान्य वरसाद। गईकाले अमदावाद सहित तमाम शहरों में पड़ियो हतो वरसाद। बे दिवस बाद ठंडीनो चमकारो रहेशे। 3-5 डिग्री तापमान में घटाड़ो थशे। तो कमोसमी वरसाद ने कारण खेडूतोनी चिंता वधी गई छे। बे दिवस बाद ठंडीनो चमकारो रहेशे। 3-5 डिग्री तापमान में घटाड़ो थशे। हवामान विभागे आगाही आपी छे। राज्य में हजू बे दिवस रहेशे कमोसमी वरसाद नी असर। ठेर ठेर वरसाद पड़ियो छे। कमोसमी वरसाद ने कारणे धरती पुत्रों में चिंता छवाई छे। मोस्टली गुजरात स्टेट में अगले 3 दिन तक बारिश होने का संभावना है। मोस्टली जो रेन रहेगा स्कैटर्ड रेन रहेगा, आज रहेगा पूरे सौराष्ट्र कच्छ में, नॉर्थ गुजरात रीजियन में और पार्ट ऑफ साउथ गुजरात रीजियन में भी होने का संभावना है। आज 7 जनवरी को गुजरात रीजियन सौराष्ट्र कच्छ में आइसोलेटेड रेन रहेगा, लेकिन लाइट रेन होने का संभावना है। डे 3 यानी 8 तारीख को सौराष्ट्र कच्छ ड्राई हो जाएगा, लेकिन गुजरात रीजियन में मोस्टली साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात रीजियन में हल्की फुल्की बारिश होने का संभावना है। गुजरात में एक बाजू जहां भर शियाळे मावठा जेवी परिस्थिति छे, तो बीजी बाजू पहाड़ों पर भारे हिमवर्षा थई रही छे। जम्मू काश्मीर, शिमला, मनाली अने उत्तराखंड जेवा फरवालायक तमाम स्थळोए आकाशमांथी सफेद वरसता थता प्रवासीओ खुशखुशाल जोवा मळी रह्या छे। तो अहींया रहेला तमाम स्थानिकोनी मुश्किलीमां वधारो जोवा मळ्यो। जो कि भारे हिमवर्षा थता मैदानी प्रदेशोमां कड़कड़ती ठंडीनो लोकोने करवो पड़ी रह्यो छे सामनो। ठंडी, कमोसमी वरसाद अने कोरोना, अत्यारे आखा देश में 3 शब्दोनी सौथी वधारे चर्चा थई रही छे, जेमां पहाड़ी प्रदेशों में अत्यारे भारे हिमवर्षाए कहर मचाव्यो छे। मनालीमां आकाशमांथी बरफ वरसता प्रवासीओ खुशखुशाल थई गया। अने मन भरीने बरफ वर्षानी मजामां हम मुरादाबाद से आए हैं मनाली। यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। स्नोफॉल बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा सभी से ये कहना है कि आप लोग आएँ और यहाँ का मजा लें। काफ़ी अच्छी स्नोफॉल हो रही है और ये यहाँ के सेब, बागवानी सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सारे टूरिस्ट और जितने भी यहाँ पे लोग हैं सारे बहुत खुश हैं स्नोफॉल से। मतलब मैंने लाइफ टाइम मैंने अचीवमेंट था मेरा कि मैं स्नोफॉल देखूं और आज वो पूरा हो गया। मतलब बहुत धीमे धीमे हो रही थी लेकिन आज तो बहुत मस्त आ गया। मतलब आई जस्ट लव हिमाचल। આ દ્રશ્યો શિમલાના છે। અહીંયા પણ વરસાદ અને હિમવર્ષાના કારણે વાતાવરણ આહલાદક બની ગયું છે। જેને જોઈને પ્રવાસીઓમાં અનોખો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો। ઉત્તરાખંડના ચમોલીમાં ભારે હિમવર્ષાના કારણે પહાડો, મકાનો, રસ્તા જ્યાં જુઓ ત્યાં બધું સફેદ ચાદરમાં છવાયેલું જોવા મળી રહ્યું છે। આ દ્રશ્યો ઉત્તરાખંડના પવિત્ર સ્થળ બદ્રીનાથના છે। અહીંયા સ્નોફોલ થતા મંદિરની આજુબાજુ 3 ફૂટથી વધારે બરફ જામી ગયો છે। આ દ્રશ્યો જમ્મુ કાશ્મીરના ઉધમપુરના છે। અહીં ભારે સ્નોફોલ અને વરસાદના કારણે જમ્મુ શ્રીનગરનો નેશનલ હાઈવે 44 બંધ કરવામાં આવ્યો।
જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં ટ્રક ચાલકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી। અને આ દ્રશ્યો જમ્મુ કાશ્મીરના પૂંછના છે। અહીં હિમવર્ષા બાદ વરસાદના કારણે કડકડતી ઠંડી પડી રહી છે, જેમાંથી છુટકારો મેળવવા માટે લોકો તાંપણાનો સહારો લઈ રહ્યા છે। એક બાજુ પહાડી પ્રદેશોમાં હિમવર્ષા થઈ રહી છે, તો ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની ચિંતા વધારી દીધી છે। તો હવામાન ખાતાએ વધુ બે દિવસ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે। મોસ્ટલી ગુજરાત સ્ટેટ મે અગલે તીન દિન તક બારિશ હોને કા સંભાવના હૈ। મોસ્ટલી જો રેન રહેગા, સ્કેટર્ડ રેન રહેગા, આજ રહેગા પૂરે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ મે, નોર્થ ગુજરાત રિજિયન મે और पार्ट ऑफ साउथ गुजरात रीजन में भी होने का संभावना है। आज 7 जनवरी को गुजरात रीजन सौराष्ट्र कच्छ में आइसोलेटेड रेन रहेगा, लेकिन लाइट रेन होने का संभावना है। डे 3 यानी 8 तारीख को सौराष्ट्र कच्छ ड्राई हो जाएगा, लेकिन गुजरात रीजन में मोस्टली साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात रीजन में हल्की फुल्की बारिश होने का संभावना है। ठंडी यानी कम मौसमी बरसात के कारण हालांकि भारत में કોરોનાના કેસમાં ધરખમ વધારો થઈ રહ્યો છે, અને જો આવી જ પરિસ્થિતિ રહેશે તો સ્થિતિ વધારે વિકટ બની શકે છે।